तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, मतलब कि हम बात करते हैं लेवल वन एडवांस एक्सेल की। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सेल, एक्सेल की फॉर्मूले, डैशबोर्ड, चार्ट्स, डायनेमिक चार्ट्स, इन सबों के बारे में इस कोर्स में। आज ये हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में हमारे साथ ज्वाइन है 3 पर्सन। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम एक्सेल का यूटिलाइज कहाँ करेंगे, मतलब कि अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो इसकी मदद से आप अपने ऑफिशियल लाइफ में करोगे क्या, ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आखिर किस किस तरीके का यूज आप एक्सेल में करते हैं ये जानना जरूरी है। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। देखिए एक्सेल अगर आप यूज करते हैं तो एक्सेल के माध्यम से आप जो है 3-4 चीजें कर सकते हैं, मोटा मोटी मैंने जो रिसर्च किए हैं उससे। सबसे पहला कि आप इसका यूज डेटा स्टोरेज के लिए कर सकते हैं, राइट। डेटा स्टोरेज, किसी तरह के डेटा अगर आपको स्टोर करनी है तो डेटा स्टोरेज के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन ये चीज बता दूंगा आपको कि ये कोई डेटाबेस नहीं है, राइट। क्योंकि डेटाबेस के बहुत सारे नियम को ये बहुत सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। तो एक्सेल नॉट ए डेटा बेस बट वी कैन स्टोर द डेटा। लेकिन कौन यूज करेगा, तो ये यूज करेंगे एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जैसे मैं हम जैसे लोग जिसके पास डेटा का क्वांटिटी कम होता है और हम लोग क्लाउड में वर्क नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी की झंझट नहीं होती है। सिक्योरिटी की इसी बोल रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने अपने फाइल को प्रोटेक्ट किया तो आपकी प्रोटेक्शन कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। इसलिए ये डेटाबेस की तरह यूज नहीं किया जाता क्योंकि इस पे आपका डेटा सिक्योर नहीं है। दूसरी चीज, ये आपको इसमें अगर 15,000 माने कि अगर आप इसमें जैसे जैसे लार्ज डेटा डालेंगे ये आपका हैंग और स्लो प्रोसेसिंग और क्रैश होने के चांसेस, करप्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं फाइल की, इसलिए ये डेटाबेस नहीं है। लेकिन जो छोटे उद्यमी हैं जिनके पास डेटा का अमाउंट कम है, क्लाउड पे काम नहीं करते हैं, सिंगल पीसी पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये एक्सेल डेटा स्टोरेज के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो बड़े सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या अफोर्ड कर भी ले तो फिर उनकी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना पड़ेगा या फिर किसी स्टाफ को रखना पड़ेगा, जो कि लेंथी प्रोसेस है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर ये एसएमई, अगर छोटे लोग इस छोटे उद्यमी इस चीज को यूज करते हैं तो फिर हम तो कॉर्पोरेट लाइफ में जाने वाले हैं, तो वहां का इस बीज होगा। तो वहां भी इसमें डेटा स्टोरेज किया जाता है, लेकिन कौन सा डेटा, एनालिटिक डेटा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एनालिसिस बनाना है, सेल्स आपका कंपनी का सेल्स का डेटा आपने लिया और आपको मंथ वाइज जो है 1 साल का डेटा आपने डाउनलोड किया और मंथ वाइज आपको उस पर एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आपको डेटा तो एक्सेल में होल्ड करना पड़ेगा, तभी तो उस पर पिवट सिवट चार्ट वार्ट कैलकुलेशन फॉर्मूला वगैरह लगाइएगा। तो आपको बड़े कंपनीज में भी जाते हैं, कॉर्पोरेट में भी जाते हैं, वहां भी आपको डेटा स्टोर करने के लिए चाहिए हो, लेकिन वो स्टोर डेटा स्टोरेज नहीं होता है, वो डेटा होल्ड होता है ताकि हम उस पर किसी भी तरह की कैलकुलेशन, एनालिटिक्स, समरी क्रिएट कर सके। ठीक है सुहाग जी, भगवान जी राउट इसमें। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये कहीं किसी प्रूफ रीड नहीं है, ये मेरा तजुर्बा, करीब 15 साल का जो मेरा तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई डेफिनेशंस नहीं है। तो दूसरी चीज, तो पहला हो गया हमारा डेटा स्टोरेज, तो पहला यूज होता है एक्सेल का डेटा स्टोरेज के लिए। उसके बाद दूसरा आता है हमारा, वो होता है कैलकुलेशन, मतलब कि अगर किसी तरह की कैलकुलेशंस क्रिएट करनी है तो आप एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे नेम है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, अमाउंट है, टैक्स जीएसटी है, कमीशन है एंड टोटल है। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि अब यहाँ पर डेटा एंट्री करने जा रहे हैं, तो क्वांटिटी अगर 85 हुआ, एमआरपी आपका आउट हुआ, तो अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कीजिए, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी, तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट का आप इजिली यहाँ पे 18% जीएसटी निकाल सकते हैं, कमीशंस
इसका 2% आप आसानी से निकाल सकते हैं और फिर इनको आपस में आसानी से जोड़ सकते हैं और आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? देखिए बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो उसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन कॉलम टू कॉलम होता है, बट यहां पे हम सेल टू सेल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी हमने कैलकुलेशन कर दिया और नीचे हम इसको एक आपको कैलकुलेशन करना है सिर्फ एक सेल में, फिर उसको कॉपी करके या फिर ड्रैग करके जैसे भी हो नीचे तक आप ले आइए। अब यहां पे आप जो है इजीली जो भी लिखेंगे एंटर करते हैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा। तो किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इसके कैलकुलेशन करने के लिए और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, इन फॉर्मूले का यूज करके भी हम अपना कैलकुलेशन इजीली कर देते हैं। जैसे कि आपका अगर सैलरी कैलकुलेशन है, आपका इंसेंटिव कैलकुलेशन है, आपका कमीशन कैलकुलेशन है, तो किसी भी तरह की कैलकुलेशन आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि कैलकुलेशन के लिए एक्सेल सब सॉफ्टवेयर से बेस्ट है, ठीक है। इसमें कोई इसमें किसी भी तरह की कोई इसकी कोई वीकनेस नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली नहीं है, हर एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्मूला अवेलेबल है तो, और बिना फॉर्मूला के भी, जैसे मान लीजिए कि मुझे ग्रोथ निकालना है कि क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू, क्वार्टर वन में हमारा 85 सेल है, क्वार्टर थ्री में मेरा 36 सेल है, मुझे यहाँ पे ग्रोथ निकालना है कि कितना परसेंट ग्रोथ हुआ। अब इसके लिए ग्रोथ में फॉर्मूला ग्रोथ का हो सकता है, लेकिन मान लीजिए हमें पता नहीं, लेकिन इस कैलकुलेशन को मैथमेटिक्स में हम अच्छी तरीके से करते हैं। हम पेन पेन से मिल जाए तो सिंपल से क्या करेंगे, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, और हमारा परसेंटेज निकल जाएगा क्या सर। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहां पे भी आप आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जो किसी भी तरह की कैलकुलेशन जो आप मैथमेटिक्स में कर सकते हैं वो कैलकुलेशन यहाँ भी कर सकते हैं। मेरे पास कॉल आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, सर इस तरह की कैलकुलेशन करना है, तो हम सिंपल बोलते हैं कि आप मैथमेटिक कर सकते हैं, तो हाँ तो मैथमेटिक कर सकते हैं, जिस प्रोसेस से मैथमेटिक करते हैं उसी प्रोसेस से आप यहाँ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा बेनिफिट होती है। कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे हम बात सकते हैं रिपोर्टिंग या फिर एनालिसिस या फिर समरी, सब एक ही होता है क्या? क्या होता है देखिए, इसमें भी ये समरी वाला काम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल करता है, सिंपल एक मिनट में। अब समरी क्या होता है, एनालिटिक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे MIS बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, तो MIS एक प्रोफाइल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, किस चीज के लिए, किसी डिसीजन को मेक करने के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास एक सेल्स का डेटा है, राइट। अब बॉस को, मान लीजिए हमारे बॉस को एक डिसीजन लेना है, डिसीजन ये लेना है कि वो चाहते हैं कि वेबसाइट जो है हमारा, वेबसाइट पे ये सेल्स मोड है, कुछ सेल्स ऑनलाइन होते हैं, कोई रेफरेंसेस से होते हैं, कोई हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, कुछ एफिलेटेड होते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं, मैं डायरेक्ट कस्टमर खरीदता है। प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें वेबसाइट के ऊपर उनको क्या है कि डायरेक्ट सेल जो है बंद करना है, तो अब ऐसे डिसीजन तो नहीं लेंगे डायरेक्ट सेल बंद होना है, और डिसीजन लेने से पहले देखेंगे कि अगर हमारी डायरेक्ट सेल बंद होती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस साइड पे इफेक्ट पड़ेगा और कितना ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि भाई वेबसाइट वाइज किस सेल्स मोड का कितना सेल है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए हम सिंपल यहां पे पिवट टेबल
हम लगाते हैं ऐसे बहुत तरीके हैं। मान लो पिवट टेबल हमने लगाया और पिवट टेबल में हमने यहाँ पे सेल्स मोड, हमने यहाँ पे क्वांटिटी और लास्ट वेबसाइट को रख देते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो डायरेक्ट सेल है वो डायरेक्ट सेल जो है सुजीत कुमार का सेल ज्यादा हो रहा है। आईपीटी इंडिया पे हमारा डायरेक्ट सेल नहीं है, तो हम आईपीटी इंडिया पे डायरेक्ट सेल बंद कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ गए? अब हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका क्या मतलब कि दोनों में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने इसको एक काम करता हूं कि मैं सोल यहां पे आया और मैंने यहां पे परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल कर देता हूं। तो अगर मान लीजिए कि मैं 19% का कंट्रीब्यूशन है टोटल सेल में सर, अगर हम बंद अगर मान लीजिए गलती से हमने डायरेक्ट सेल्स को बंद कर दी सुजीत कुमार वाली साइट से, तो क्या होगा? मेरा 19% सेल कम हो जाएगा, इसलिए इसको बंद नहीं किया जा सकता। तो ऐसी इंफॉर्मेशन निकल से आ सकती है। या और एक और एग्जांपल मैं बता सकता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि इसकी एक एनालिसिस मैंने की थी। तो मान लीजिए कि आप एक इन्वॉल्व कॉल सेंटर में हैं जहां पे कॉल्स आपको रिसीव की जाती है, और आपको दिल्ली का एरिया मिला हुआ है, दिल्ली के लिए आपके पास 20 एम्प्लॉई है और आप कॉल्स लेते हैं। अब आपको दिल्ली के जगह पे हरियाणा भी दिया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि हरियाणा के लिए कितने एम्प्लॉय लेंगे। हाउ कैन डिसाइड कि हरियाणा के लिए कितना एम्प्लॉय हो सकता है? तो इसके लिए हम अपने डेटा खंगालेंगे, हम अपने डेटा में से निकालेंगे टोटल एवरेज हैंडलिंग टाइम। एवरेज हैंडलिंग टाइम मतलब कि एक कॉल्स के लिए कितना दिया जाता है, तो 90 सेकंड का टाइम एक कॉल्स के लिए होता है। एवरेज कॉल्स कितने आते हैं? तो एवरेज कॉल्स मेरे पास मान लीजिए कि एक दिन में 2500 कॉल्स आते हैं, ठीक है? मतलब कि मेरे पास मेरा जो काम है वो काम है 2,25,000 सेकेंड, और मेरे पास कितने हैं? तो 20 एम्प्लॉय है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 8 आवर और 160 आवर डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 60 और 1900 मिनट्स मल्टीप्लाई बाई अगेन 60, तो मेरे पास 57,000 576,000 का उस कैपेसिटी में कितना यूज कर रहे हैं? 22,500, 2,25,000। तो हरियाणा का हम बोले कि भाई हरियाणा जो हम हरियाणा का काम दे रहा है उसे हम पूछेंगे कि भाई टोटल कॉस्ट कितने आ सकते हैं अभी। तो बोला गया कि इसमें टोटल कॉस्ट तकरीबन 5,000 कॉल्स टोटल पर डे आ सकते हैं, राइट? तो मुझे जरूरत है 5,000 कॉल्स, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 90, तो मुझे यहाँ 45 450,000 कॉल्स की सेकेंड की जरूरत है, और मेरे पास अवेलेबल कितना है पहले से? तो पहले से अवेलेबल मेरे पास यहाँ पे 3,51,000 है। तो मुझे कितना एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत है? दैट इज डिवाइड बाई 60, 1665 मिनट डिवाइड बाई 60, 27 घंटे, 27 घंटे डिवाइड बाई 8, तो तकरीबन 4 लोगों की जरूरत है मुझे, ठीक है? अभी 4 लोगों की जरूरत, लेकिन एक तरफ से मिसेज हर एंगल से मिसेज करनी पड़ती है, तो हमें 4 लोगों की जरूरत है। किस एंगल से? वर्क लोड की जरूरत है, मतलब वर्क कैपेसिटी की जरूरत है, 4 लोगों की जरूरत है, राइट? और फिर हम यहाँ शिफ्ट वाइज देखेंगे, 4 लोगों का 24 घंटा तक काम। अब शिफ्ट वाइज एक से लेके 24 घंटे का शिफ्ट बढ़ेगा, शिफ्ट वाइज देखा जाएगा कि कितने हर एक घंटे में कितने कॉल्स आते हैं और कितने स्टाफ होते हैं, किस घंटे में से हटा के हरियाणा में फॉरवर्ड किया जा सकता है, और बैकअप प्लान क्या है। ये सब एनालिसिस करने के बाद डिसाइड होगा कि हरियाणा के लिए टोटल कितनी हायरिंग की जा सकती है, और अगर ऐसा नहीं किया तो कंपनी का नुकसान होगा। कंपनी ने इस ऐसी चीजों को ध्यान में नहीं रखा कि आवर्ली डिपो
मान लीजिए उसने देखा क्या है, चार लोग जो थे चार फायर करो, तो पता चलेगा कि ये जो 2700 का जो कॉल भाई आपका जो 2500 कॉल्स आते हैं, वो 2500 कॉल्स में से 2000 कॉल्स जो है वो 2 से 4 घंटे के बीच में आते हैं। अब 2 से 4 घंटे के बीच में आते हैं तो उस समय आपको 2000 कॉल्स हैंडल करने के लिए 20 स्टाफ की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर इस चीज नहीं ध्यान दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये एनालिसिस करके मैंने दिया अपने बॉस को, और बॉस जो कि हायरिंग करने जा रहे थे तकरीबन 63 एम्प्लॉय की, उसके जगह पे मैंने मात्र 42 एम्प्लॉय हायर करने की सलाह दी थी। बस सोचिए कि मैंने कंपनी कितना चीज बचा दिया था। बॉस ने बोला कि 63 एम्प्लॉय उन्होंने स्लैब बनाया था, फिर मैंने जो आवर्डी स्लैब बना के फिर बॉस को बोला कि इस तरह देखिए। तो जब आवर्डी स्लैब में जो उनकी जो आवर्डी स्लैब का जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को हायरिंग को कम किया और 42 हायरिंग रखी। चलिए तो डेटा एनालिसिस के लिए काम करते हैं। तो एक्सेल पे डेटा एनालिसिस करना बहुत आसान है, और सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो है शेयरिंग, इजी टू शेयर। कि किसी को भी हम अपने रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, हर कोई देख सकता है मेरी रिपोर्ट। ऐसे मान लीजिए रिपोर्ट तो आपको पावर बीआई पे भी बनते हैं, रिपोर्ट आपके टैबलू पे भी बनते हैं, लेकिन इनको शेयर नहीं किया जा सकता। शेयर ना करने के पीछे रीजन ये है, क्योंकि मान लीजिए हमने पावर बीआई का रिपोर्ट शेयर किया तो उसको देखने के लिए आपके पास पावर बीआई होना चाहिए। हालांकि इसके जो वेब वर्जन है उस पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन वेब वर्जन से रिपोर्ट को देख सकते हैं, चेंजिंग नहीं कर सकते ना। तो पावर बीआई होना चाहिए, यहाँ लिमिटेशन हो गया कि मुझे इस रिपोर्ट को देखने के लिए डाउनलोड करके पावर बीआई में जाना पड़ेगा, पावर बीआई की आईडी लेनी पड़ेगी, तब जाके मैं रिपोर्ट को देख पाऊंगा। बट एक्सेल में ऐसा नहीं है। अगर मैंने आपको मेल किया, अगर आपके पास एक्सेल नहीं भी है फिर भी आप गूगल सीट पे देख ही लोगे। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने मेल किया, मैं एक बार यहां मेल पे देखता हूं, किसी ने मुझे मेल किया, फाइल से फाइल मेल किया, तो मेरे पास नहीं है तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा और इस फाइल को ओपन करके देख सकता हूं। इसके लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि अब एक्सेल की आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्सेल का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है। तो बेसिकली ये एक डिजिटल रजिस्टर है। पहले जो दराजी के रजिस्टर हुआ करते थे सर, वही रजिस्टर है, बट ये डिजिटल हो गया है। कॉलन होता है, रो होता है, एक फाइल होती है, फाइल के अंदर शीट्स होते हैं और शीट्स के अंदर कॉलन रो होता है। कॉलम रो जहां इंटरसेक्ट होता है वहां हम अपनी किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं, चाहे वो वैल्यू नंबर हो या करेक्टर हो, राइट। और सेल की वैल्यू बन जाती है, जैसे मैंने यहां पे रखा, अब A1 की वैल्यू 124 हो गई। अब A1 क्या है, सेल का एड्रेस है, A कॉलम एंड 1 रो। तो कहीं भी अगर मान लीजिए मुझे अगर 124 में 30 जोड़ना है तो हम इक्वल से स्टार्ट करेंगे। इक्वल मतलब हम जब भी कोई फॉर्मूला या कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वल से स्टार्ट करेंगे। इक्वल आना एक्सेल समझता है कि इसमें कोई वैल्यू टाइप नहीं हो रही है, अब इसमें कैलकुलेशन हो रहा है, इसलिए कैलकुलेशन वाले मोड को एक्टिव करता है। ऐसे मान लीजिए मैं 124 प्लस 30 कर दूं तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। न होने के पीछे रीजन यह है कि एक्सेल को पता नहीं है कि ये एज ए सिंपल टेक्स्ट शो करना है या कैलकुलेशन करना है। जब हम इक्वल इसके आगे लगाएंगे तो एक्सेल समझेगा कि हाँ इस पर कैलकुलेशन करना है, नहीं तो समझेगा कि ऐसे टेक्स्ट इसको शो करना है, एबीसीडी नाम जो होता है उस तरह से। तो जब हम 124 30 कर दिया तो आ गया, लेकिन जब मैं यहां भी किसी भी तरह का चेंजिंग करूंगा तो ये अपडेट नहीं होगा। रीजन कि हमने इसे मैनुअल कैलकुलेशन कर दिया।
मैं चाहता हूँ कि A1 की वैल्यू जब चेंज हो तो ये अपने आप को अपडेट कर ले, तो मुझे इसका एड्रेस यहाँ देना होगा A1+30। अब यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, मतलब कि लिंक हो गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपडेट क्लिक करूंगा, टाइप करूंगा और एंटर प्रेस करते ही हमारी वैल्यू यहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाएगी। तो एड्रेसिंग सिस्टम यही होता है कि अगर हमें सेम सीट में, मान लीजिए सेम सीट में अप्लाई करना था तो हमने A1 आ गया, लेकिन अगर मुझे किसी और सीट से, सीट टू से करना है तो यहाँ पे आपका सीट टू का रेफरेंस आएगा कि C2A3। ऐसे कोई और फाइल अगर हम करते हैं, जैसे कि मैं कोई और फाइल कर दिया, हम यहाँ पे मैं करता हूँ लूप तो ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपका लूप, उसका एक्सटेंशन और फिर यहाँ पे आपकी फाइल का एड्रेस आ गया। किसी और फाइल भी ले सकते हैं, लेकिन वो फाइल ओपन है तो ऐसा दिखेगा। जैसे ही मैं फाइल को क्लोज करूंगा, यहां पे देखिए इसका कंप्लीट पाथ आ गया। तो बहुत बच्चे बच्चे पूछते हैं सर आपके में तो पाथ आता है, मुझे पाथ नहीं आता है। तो पाथ तभी आएगा जब आपका फाइल क्लोज होगा। जैसे मैं वापस इस फाइल को ओपन करूंगा तो ये फाइल वापस इसमें से इसका पाथ हट जाएगा और सिर्फ हमारा फाइल का नेम, सीट नेम और डेटा दिखेगा। आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहां ऊपर में हमारे पास कोई डॉलर नहीं लगा हुआ है, इसमें भी कोई डॉलर नहीं लगा हुआ है, पर इसमें डॉलर क्यों लगा हुआ है, ये डॉलर है क्या? तो चलिए हम डॉलर के बारे में बताते हैं डॉलर क्या होता है। जैसे कि हमने कुछ नंबर्स यहां पे लिखता हूं, इसका बेसिक कंसेप्ट अभी मैं बता रहा हूं, इसका एडवांस कंसेप्ट मैं आपको आगे क्लासेस से बताऊंगा। तो यहां पे देखिए हमारे पास नंबर्स हैं, मुझे हर नंबर्स में 20 ऐड करना है। जैसे मैंने बोला कि इसका रेफरेंस लेते हैं A1+20, तो ये अब A1 की वैल्यू को 20 कर देगा। अब मुझे बाकी सारे सेल में अलग अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को नीचे ड्रैग करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा तो मेरा फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। मतलब कि जब भी हम वैल्यू को कॉपी करके नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, चाहे आगे की तरफ चाहे पीछे की तरफ, हम अगर ड्रैग करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो जो इसका एड्रेस है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। मतलब कि मैंने इसको नीचे लेके आया, A1 से A2 लेके आया, तो ऑटोमेटिकली ये जो A1 था एक इंक्रीज होकर A2 हो गया, क्योंकि मैं एक सेल नीचे उसको लेके आया। क्लियर है सर? तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर ऐसा ना हो तो मुझे इंडिविजुअली सब में जाके लगाने पड़ेंगे, इसीलिए एक्सेल में कैलकुलेशन आसानी होती है कि एक कपे कीजिए और नीचे 10 लाख, 10 लाख पर ड्रैग कीजिए, ऑटोमेटिकली उसका रेफरेंस चेंज हो जाता है, आपको हर अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, जैसे कि अभी मान लीजिए 20 हमारा फिक्स है, तभी तो कर दिया, मान लीजिए कि मुझे A1 की वैल्यू, A कॉलम जितनी भी वैल्यू है उसमें मुझे D1 की वैल्यू ऐड करनी है। तो अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस पे प्लस किया और D1 की वैल्यू को ऐड कर दिया, अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो हमारा A1 B1 हो, A1 A2 होगा, तो D1 भी तो D2 होगा। अभी प्रॉब्लम हो गई, मैं नीचे ड्रैग नहीं कर सकता, मुझे इंडिविजुअली इस पे जाके एक एक करके प्लस करना पड़ेगा, तो ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर 10 लाख देता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस केस में हम डॉलर का साइन करते हैं ताकि हमारा जो रो नंबर या कॉलम नंबर है वो लॉक हो जाए, फ्रीज हो जाए, अब्सोल्यूट हो जाए, बहुत सारे नाम है इसके। अब इसको जब नीचे ड्रैग करेंगे तो A1 हमारा A2 होगा, बट D1 फिक्स रहेगा D2। ओके लेकिन मैं इसको लेफ्ट टू राइट ड्रैग करूंगा तो D1 जो है हमारा E1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने डॉलर का साइन रो के आगे लगाया है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है उसमें अल्फा न्यूमेरिक होता है, तो अल्फाबेट हमारा कॉलन होता है और हमारा न्यूमेरिक होता है। तो अगर मैंने न्यूमेरिक के आगे डॉलर लगाया तो सिर्फ हमारा रो फ्रीज होगा, अगर हमने कॉलन के आगे डॉलर लगा दिया तो हमारा कॉलन फ्रीज हो जाएगा। अब देखिए E1 हो गया, अब यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा तो सबके जगह पे हमारा E1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर है आप लोगों को डाउट इसमें? F4 तो सिलेक्ट कीजिए, हाँ F4 प्रेस कर दीजिए। शॉर्ट की बात आई है तो शॉर्टकट पे चलिए डिस्कस करते हैं।
म्यूट के लिए शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से। शॉर्टकट की बात आई, अब देखिए मैं शॉर्टकट बहुत कम यूज करता हूं। शॉर्टकट कम यूज करने के पीछे रीजन ये है कि अगर मान लीजिए कि मैंने कॉपी किया था, आपको पता चलेगा कि मैं कॉपी पे क्लिक किया था, ये कॉपी हुआ। अब मैं कंट्रोल सी करूंगा तो पता तो ही चलेगा क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये चीज हुआ। इसलिए मैं माउस यूज करता हूं। लेकिन आपको अगर शॉर्टकट की जरूरत है तो एक्सेल के ऊपर आपको सर्च दिख रहा होगा, या F1 प्रेस कर सकते हैं, या क्वेश्चन मार्क होगा उस पर क्लिक कीजिए और यहां पे सर्च कीजिए शॉर्टकट। और यहां देखिए 10 रिजल्ट आ गए, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड कीबोर्ड शॉर्टकट इन द एक्सेल दिख रहा होगा आपको, या शॉर्टकट के अंदर ऑफिस उसमें से क्लिक कर सकते हैं आप, और ये आपके एक्सेल हेल्प में आपके सारे शॉर्टकट लिस्ट आपको दे देगा। ये आपके सारे शॉर्टकट लिस्ट आ गए, ठीक है सर। और इसके ऊपर हम आगे की क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे कि इसमें और क्या क्या किया जा सकता है।